वॉइस ओवर बेसिकली कई तरह के होते हैं. हम किसी प्रोडक्ट की वॉइस को वॉइस देते हैं तो उसको भी वॉइस ओवर बोला जाता है. हम डॉक्यूमेंट्रीज होती है उसमें पीछे बैकग्राउंड वॉइसेस होती हैं तो उसको भी वॉइस ओवर बोला जाता है. साउथ की आप मूवीज़ आजकल उठा के देख लीजिए तो उसमें बहुत सारी वॉइसेस होती हैं, तो वो भी एक तरह के वॉइस ओवर आर्टिस्ट का ही काम होता है. आज की डेट में वॉइस ओवर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है, अहम चीज़ है कि आप किसी जब एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जब कोई कमर्शियल आप बनाते हैं तो उस कमर्शियल के पीछे एक आवाज़ होती है. एक तो करेक्टर वॉइस होती है जो आर्टिस्ट की वॉइस होती है, और एक होती है आपके प्रोडक्ट की वॉइस कि प्रोडक्ट अपने बारे में बता रहा है. आप लक्स साबुन उठा के देख लीजिए या आप नेस्ले की चॉकलेट उठा के देख लीजिए या कोई भी आप चीज़ उठा के देख लीजिए. जो आज नया जब कमर्शियल बनता है तो एंड में या शुरुआत में या पूरे एड में ही एक वॉइस चलती रहती पीछे, जिसके पीछे कोई चेहरा नहीं होता, वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट होता है और उसी को वॉइस ओवर बोलते हैं. बहुत सारी अब डिफरेंट डिफरेंट इसमें जॉनर्स आ गए हैं. कार्टून वॉइसेस हैं, फिल्म की वॉइस है, कमर्शियल एड्स हैं, स्टेज प्ले थिएटर ड्रामा है, उनकी वॉइसेस हैं. तो काफ़ी सारी इसमें वेरिएशंस हो गए हैं, काफ़ी स्कोप भी है इसमें, तो इसको वॉइस ओवर बोलते हैं बेसिकली. वॉइस ओवर देखिए कई जगह पे इस्तेमाल होता है. आज की डेट में एक बहुत बड़ा मार्केट है कार्टून करेक्टर्स का. आप बहुत सारे चैनल इंडिया में आ गए हैं और इंडिया में आप मिसाल के तौर पे आप एयरटेल डीटीएच अगर आपके पास लगा हुआ है और उसमें आप एक चैनल देख रहे हैं कार्टून नेटवर्क फॉर एग्जांपल, तो उस कार्टून नेटवर्क में जब आप जाइएगा तो वहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस में आप तमिल में भी उस चैनल को देख सकते हैं, आप गुजराती में भी देख सकते हैं, आप मराठी में भी देख सकते हैं, आप हिंदी में देख सकते हैं, इंग्लिश में देख सकते हैं. बट होता क्या है कि जब कोई कार्टून बनता है तो वो एक पहले वॉइस में बनता है, फिर डिपेंड करता है कि हम कौन से स्टेट में उसको टेलीकास्ट करने जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा वॉइस तैयार होती हैं. वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं जो मराठी में हैं तो मराठी में उस पूरे इंग्लिश की डबिंग जो होती है वो मराठी में कर देते हैं. इसी तरीके की साउथ की मूवीज़ हैं, अब हम लोग ने उसको एक नाम दे दिया साउथ की मूवीज़, अब वो तेलुगु में बनती हैं, वो तमिल में बनती हैं, वो अलग अलग लैंग्वेजेस में बनती हैं, फिर उसके बाद उनकी डबिंग होती है ताकि जो हमारे व्यूअर हैं, जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं, उनको अपनी बात हम आसानी से उनकी लैंग्वेज में, जो उनको कंफर्टेबल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, पहुंचा सकें, तो उसमें वो डब की जाती हैं. तो फिर वॉइसेस कई जगह पे यूज़ होती हैं, कमर्शियल एड्स होते हैं. आप यूँ देखिए कि एक किसी कंपनी ने अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसके बाद में बहुत सारे वो लैंग्वेजेस में उस एड को डब किया जाता है. तो जब डब किया, मराठी, तमिल, बंगाली, गुजराती, हिंदी, बहुत सारी लैंग्वेजेस में होता है, तो उसमें एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है. और डॉक्यूमेंट्रीज आप देख लीजिए, गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनती हैं, कॉर्पोरेट मूवीज बनती हैं, उसमें भी वॉइस ओवर होता है. हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट हिंदी का बहुत अहम रोल है इसमें वॉइस ओवर में. चूँकि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज है, तो ज़्यादा जोर दिया जाता है हिंदी के ऊपर. और हिंदी बेसिकली ज़्यादातर स्टेट में हिंदी बोली जाती है. आप पंजाबी भी है तो पंजाबी में भी लोग हिंदी समझ लेते हैं, गुजराती भी है तो गुजराती, बट यूपी का आदमी गुजराती नहीं समझ पाएगा, बट गुजराती आदमी हिंदी समझ सकता है. तो एक बहुत बड़ी मार्केट हिंदी की है. वॉइस ओवर बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है, तो उसमें से एक ये भी है. वॉइस ओवर की शुरुआत करने के लिए आपको कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है. अगर आपका उच्चारण सही है, प्रोनंसिएशन क्लियर है, आवाज़ में एक साफ़ आवाज़ है आपकी, तो आप वॉइस ओवर दे सकते हैं. क्योंकि आज की डेट में ज़रूरी नहीं कि एक भारी आवाज़ होनी चाहिए आपकी,
आपकी आवाज़ में एक फ्लो होना चाहिए। करेक्टर वॉइस आप दे सकते हैं, जो हम लोग आम भाषा में बात करते हैं, जो फिल्म्स के लिए होती हैं बेसिकली ज़्यादातर, उसमें भी वॉइस ओवर की आजकल बहुत स्कोप है। और ये एक ऐसी फील्ड है जो ख़त्म नहीं हो सकती। ख़त्म नहीं हो सकती का मतलब है कि ख़त्म जल्दी नहीं होगी। और मैंने भी जब शुरुआत की थी तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल था। हम लोगों ने छोटे छोटे करेक्टर वॉइस लिए, फिर उसके बाद उसके वॉइस ओवर वगैरह देते रहे शुरुआत की, फिर कमर्शियल्स मिले, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्रीज़ मिली, फिर उसके बाद बड़े कमर्शियल्स मिले, एयरटेल, रिलायंस, नेस्ले, होंडा, इन सब की चीज़ों की हम लोगों ने वॉइस ओवर दिए। तो वॉइस ओवर की शुरुआत जो आप है वो करेक्टर वॉइस से करिए तो ज़्यादा बेटर इसलिए रहेगा क्योंकि करेक्टर वॉइस बेसिकली हमारी आम भाषा होती है जो हम लोग बात करते हैं जिसमें। और करेक्टर वॉइस एक चीज़ और ख़ास बात ये होती है कि अगर आप कॉमेडी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो आप उससे शुरुआत कीजिए। अगर आपकी आवाज़ गरजती हुई है, यानी कि आपकी आवाज़ एक लीड की है, लीड बेसिकली हम हीरो को मान लेते हैं कि उसकी आवाज़ एक लीड आर्टिस्ट की है, तो आप उससे शुरुआत कीजिए। सबसे पहले ये पता करिए कि आपकी आवाज़ किस जॉनर में फिट बैठेगी। कार्टून करेक्टर में बैठेगी, कमर्शियल्स में आएगी, डॉक्यूमेंट्रीज में आएगी, फिल्म्स में आएगी, ये किस सेक्टर में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं उससे शुरुआत कीजिए। फिर जो लोग हैं जो इस चीज़ में काम कर रहे हैं आप उनसे मुलाकात करिए, उनसे बात करिए, अपनी वॉइस के सैम्पल बनाइए। और नेट, आजकल इंटरनेट है, यूट्यूब है आपका, फेसबुक है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप अपने वॉइस के सैम्पल बना के डालिए। ज़रूरी नहीं कि वो किसी अच्छे स्टूडियो में हो, आप मोबाइल से बना के डालिए। आप आजकल तो मोबाइल भी इतने हाईटेक हो गए हैं कि हम लोग उनसे भी काम कर सकते हैं, वो काम लेते हैं। तो शुरुआत छोटे से करिए। आप एक बैग बड़ा काम आप नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि बड़ा काम में बड़ी जिम्मेदारियां हैं, वो बहुत बड़ी जगह पर जाता है, फिर कस्टमर के अपने एक्सपेक्टेशंस होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किन लोगों के लिए साउंड दे रहे हैं और वो आपको एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि आप पहले डे वन से आप चाहें कि आप एक कमर्शियल वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाए तो पॉसिबल, तो एनीथिंग पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। बट आप कोशिश करिए कि जो आपकी करेक्टर वॉइस है, जो आपकी जो नेचुरल साउंड है, वो नेचुरल साउंड आप किस में कम्फर्टेबल है उससे आप शुरुआत कीजिए। देखिए, वॉइस ओवर बेसिकली कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है कि चंद लोग ही इसको कर सकते हैं या बहुत बड़ा कोई टेक्निकल स्टूडियो हो जहाँ पे आप इसको रिकॉर्ड करना हो वगैरह वगैरह। बहुत सारे आज के डेट में इक्विपमेंट ऐसे आ गए हैं, हैंडी रिकॉर्डर्स आ गए हैं, आप तो आईफोन में भी लेवलर माइक लगा के आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और हाँ, आपको थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा उसके लिए, सॉफ्टवेयर के बारे में कोई नॉलेज लेनी पड़ेगी। आप बिल्कुल घर से इसकी शुरुआत कीजिए क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है और ये एक वॉइस ओवर के लिए कोई ऐसी जगह की ज़रूरत नहीं है कि आपको बीआर स्टूडियो ही चाहिए है और आपको या वगैरह बहुत बड़ा हाईटेक स्टूडियो चाहिए। आप इसकी घर से भी शुरुआत कर सकते हैं, बट क्लाइंट ये चाहता है, ज़्यादातर क्लाइंट ये चाहते हैं कि उनके सामने ये सारे काम हो, तो इसलिए स्टूडियो बनाए जाते हैं। और जब स्टूडियो बनाए जाते हैं तो इन्हीं वजहों से बनाए जाते हैं कि एक जगह होती है जहाँ पे क्लाइंट आता है, आप वहाँ जाते हैं, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, एक रिकॉर्डिस्ट होता है, वो आपकी आवाज़ को लेवल करता है, आपके जो वीक पॉइंट हैं वो आपको बताकर आपके वीक पॉइंट को ख़त्म करके एक अच्छा साउंड देता है जो कि आप इस्तेमाल करते हैं, लोग टीवी में देखते हैं या न्यूज़ में देखते हैं या बहुत सारी जगहों पे देखते हैं। तो आप घर से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन कमर्शियल स्टूडियो से करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आप शुरुआत में ही अगर आपकी आवाज़ अच्छी नहीं आई तो थोड़ा आपका भी मोरल डाउन होगा और उसके बाद में आप सोचेंगे कि नहीं, ये शायद नहीं हो सकता या हो सकता, जो ज़्यादातर नॉर्मली होता है लोगों के साथ में कि वो पहली बारी वॉइस की ऑडिशन देते हैं और उसके बाद वो रिजेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद वो करियर छोड़ देते हैं।
मैं खुद तकरीबन 5 से 6 बार रेडियो स्टेशन में रिजेक्ट हो चुका हूँ, वो चाहे रेडियो सिटी हो, रेडियो मिर्ची हो, या अगर कोई भी, बहुत सारे ऐसे स्टूडियो हैं। फिर मैंने धीमे धीमे खुद का काम कमर्शियल करना जब शुरू किया तो मैंने घर से फिर शुरुआत की, टर्म्स बन गए थे, तो उसके बाद फिर मैंने कमर्शियल स्टूडियो में जाकर रिकॉर्ड किया। आज मेरे घर पे स्टूडियो है मेरा पूरा, तो हम लोग वहाँ पे करते हैं। बेसिकली आवाज़ फील का काम होता है, आप जितना अच्छा फील कर लीजिए उतना अच्छा आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि आवाज़ का कोई चेहरा नहीं होता है, जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट होता है उसका कोई चेहरा नहीं होता है, तो उसको अपनी आवाज़ से ही एक्सप्रेशन देने हैं, आवाज़ से ही उनको अपनी जो बात है वो कह देनी है। हाँ, आपकी आवाज़ साफ़ होनी चाहिए, प्रोनंसिएशन क्लियर होना चाहिए, और उर्दू सीखिए। क्योंकि उर्दू के लिए मेरे इसलिए आपसे जोर दे रहा हूँ क्योंकि उर्दू में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, शब्द हैं जो आपकी आवाज़ को तोड़ते हैं। आपकी आवाज़ को तोड़ने का मतलब ये है कि आपकी आवाज़ का जो प्रोनंसिएशन है वो क्लियर करते हैं। आप उर्दू की किताबें हिंदी में हैं, इंग्लिश में हैं, आप उनको पढ़िए, रोमन उर्दू जिसको बोलते हैं, वो आपको तरीका सिखाएगी कैसे बात करनी है। आवाज़ को साफ करने के लिए कोई दवा नहीं आती है, कोई दुआ नहीं होती है इसकी, रियाज होता है। आप रोज़ अखबार पढ़िए, आप रोज़ कोई एक नॉवेल ले लीजिए, उसके 2 चैप्टर आप एक फ्लो में बोलिए, एक तरीके से बोलिए। और जो हम लोग नॉर्मली बात करते हैं उसका बात करने का तरीका अलग होता है, और जब हम लोग वॉइस ओवर करते हैं तो वॉइस ओवर करने का तरीका अलग होता है। मैं आपको फॉर एग्जांपल एक बताता हूँ कि हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, तो इसमें बहुत सारे फ्लो होते हैं, वॉइस अप एंड डाउन्स होती हैं, मॉड्यूलेशंस होता है वगैरह वगैरह। बट जब हम किसी डॉक्यूमेंट्री की बात करते हैं तो आवाज़ कुछ ऐसी हो जाती है। मैंने देखा कि मैं जब वहाँ पर गया तो उसके बाद उसने एक दरवाज़ा खोला और एक सन्नाटा, एक खामोशी चारों तरफ थी। एक नया सवेरा निकला, उसने अपने आप को ये कहने पे शुरुआत की कि आओ अंधेरे, मैं तुझको अपने अंदर समा लेता हूं। तो ये बेसिकली वॉइस का एक सैंपल है। कमर्शियल जब आप करते हैं तो आप किसी कंपनी के लिए कर रहे हैं, एयरटेल के लिए मान ली कर रहे हैं, तो एयरटेल में आज की डेट में जब आप डीटीएच खोलिए तो शुरुआत में जब आता है कि इस मूवी को डाउनलोड करने के लिए आप डायल कीजिए 560701, ये भी एक तरीका है। बहुत सारे साउंड्स होते हैं इसमें, IVR होता है, फिर कॉलर ट्यून्स होती हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत फील्ड्स हैं इसमें, बहुत स्कोप है इसमें। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप वॉइस ओवर कर सकते हैं तो आप बिल्कुल इस चीज़ को ज्वाइन कीजिए। कोई रूल नहीं है इसका, बट अपने नियम बनाइए कि मैं ये करूँगा क्योंकि मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। वॉइस में आपको कंफर्टेबल होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप अपने ये नहीं समझते हैं कि मैं इस वॉइस के लिए सूट करता हूँ तो आप उसमें मत जाइए, आप ढूंढिए कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए, टेक्निकल होना आपको हर फील्ड में ज़रूरी है। चूँकि आप वॉइस ओवर का काम कर रहे हैं और मान लीजिए आप अपने घर से करते हैं, जबकि बहुत सारे रिकॉर्डिस्ट आज की डेट में अपने घर पे रिकॉर्ड पूरा इक्विपमेंट लगाए हुए, मैंने खुद भी लगाए हुए। तो जब मैंने इस काम की शुरुआत की थी तो मैं पहले रिकॉर्डिंग स्टूडियोज वगैरह में जाता था, तो काफ़ी वक्त लग जाता था, पैसा भी इन्वेस्ट होता था। और चूँकि ये काम होता है, अगर क्लाइंट सामने है तो ठीक है, अगर क्लाइंट हमारे पीछे है, यानी कि क्लाइंट हमारे पास नहीं है, तो उसको कोई भी करेक्शन लगता है तो हमें दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाना होता है, फिर दोबारा से उसको चार्जेस देने होते हैं, पूरी मिक्सिंग कराओ, उस टाइम पे डेट मिले ना मिले वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। तो आपको अपने सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको अपने माइक के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आप किस कंडेंसर माइक से कर रहे हो, आप डायनेमिक माइक से कर रहे हो, आप कॉलर माइक से रिकॉर्ड कर रहे हो, या आप कैमरे माइक से रिकॉर्ड कर रहे हो, डिपेंड करता है कि आप बेसिकली किस चीज़ के लिए वॉइस देना चाह रहे हो। उसी तरीके के वॉइस में माइक का बहुत अहम रोल है। अब वो माइक सिर्फ माइक तो काम करेगा नहीं, उसके साथ में उसका एक मीडिएटर होता है जिसको हम लोग मिडी इंटरफेस बोलते हैं, साउंड कार्ड,
उसमें भी बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। अब उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये मिडी इंटरफेस जो होता है वो किस तरीके से काम करता है। फिर ये मिडी इंटरफेस जो होता है वो आपकी आवाज़ को कंप्यूटर में लेके जाता है, तो कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है। अब वो सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, सॉफ्टवेयर आपको पता चल गया था, अब उस पर काम कैसे होगा, काम आपने रिकॉर्ड कर लिया, फिर उसके बाद आप उसको मिक्स कैसे करेंगे म्यूज़िक के साथ, आपके खुद को ईक्यू कैसे करेंगे उस वॉइस को अपने आप। तो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हो। अगर आप महीने में एक वॉइस ओवर करते हो तो आपको खुद का रिकॉर्डिंग स्टूडियो लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट आपके पास रोज़ का अगर आपके 10 वॉइस ओवर हैं आपके पास में, और मिसाल फॉर एग्जांपल, तो आप खुद लगा लीजिए। थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपको, थोड़ा सा परिश्रम आपको करना पड़ेगा, आप वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। टेक्निकल होना बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि आज की डेट में मैंने देखा है कि चाहे वो बड़े से बड़ा हरीश भिमानी साहब हों या कोई भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो, अच्छा काम करने वाला जिसके पास काम खुद आता है कॉल करके कि मुझे ये काम आपसे कराना है। बहुत से आर्टिस्ट होते हैं जो लोगों के पास कॉल करते हैं कि क्या मेरे लायक कोई काम है या नहीं, और एक वो आर्टिस्ट भी होते हैं जिनके पास कॉल खुद आता है कि आपको ये काम करना है। तो हम लोगों के पास जब कोई कॉल आता है या हम लोग के पास जब क्लाइंट आता है तो हम लोग पहले उसको समझते हैं बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर अपने स्टूडियो में उसको रिकॉर्ड करते हैं और मेल के थ्रू या कैसे भी अब उसको हम फॉरवर्ड कर देते हैं। तो अब टेक्निकल होना ज़रूरी है, कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, आप क्यूबेस यूज़ कर रहे हैं, न्यूविंडो यूज़ कर रहे हैं, आप प्रोटूल्स यूज़ कर रहे हैं, आप वेगस यूज़ कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करिए, बेसिकली आज की डेट में सारे सॉफ्टवेयर एक हैं। वॉइस ओवर के लिए आपको कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर आपको परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई छोटा सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं जो आपके डिपेंड करता है बजट के ऊपर, फिर उसको आप इस्तेमाल करिए, उसमें आप परफेक्ट होइए, फिर आप धीमे धीमे करके आप फिर बहुत बड़ा इक्विपमेंट ले लीजिए। जैसे हमारे पास में नॉइमन के माइक हैं, हमारे पास रोड के माइक हैं, हमारे पास और भी चीज़ें, हम लोग एडिट करते हैं वो मैक के ऊपर करते हैं, क्यूबेस है, प्रोटूल्स है, तो वो एक दिन में नहीं हो गया वो सारी चीज़ें, वो धीमे धीमे हुआ उस चीज़ के बाद। तो ये सारी चीज़ें वॉइस ओवर में रिक्वायरमेंट होती है। मैं अभी आपको पूरी तरीके से इस बारे में नहीं बता पाया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जितना मैंने आपको चीज़ें बताई हैं आपको समझ में आई होगी। आपकी कोई भी अगर रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊँगा, कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे वॉइस ओवर देनी है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट होता क्या है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। वॉइस ओवर बहुत अहम रोल है इस इंडस्ट्री का, बॉलीवुड हॉलीवुड टीवी इंडस्ट्री, पाकिस्तान इंडस्ट्री भी आज के डेट में काफ़ी स्कोप है उसमें। आप इंडिया के बाहर का काम बहुत मिलता है, क्योंकि इंडिया में ही सिर्फ इंडियंस नहीं है, जितने इंडियंस हिंदुस्तानी हिंदुस्तान में है उसकी आधी पॉपुलेशन इंडिया के बाहर भी है। तो हमको उनको भी अपनी आवाज़ सुनानी है। जो एक छोटा तबका है, मजदूर तबका है, वो रेडियो सुनता है, अगर वो इंडोनेशिया में है तो वहाँ की लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो वहाँ से काम करने गया है। अब वहाँ पे एंटरटेनमेंट के साधन नहीं होते तो वो ढूंढता है कि कोई अपना चैनल मिले, कोई अपने लोग मिले जो उनसे अपनी तरीके से बात करें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग को समझनी है।